बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत मौलाना नासिर मदनी साहब दामत बरकातहुम अलिया के ऊपर इस वाक़े का जब सुना बहुत अफसोस हुआ और हमारे इस एतबार से सर फख्र से बुलंद हैं। किसी के साथ जाति जिद अदावत नफरत कीना कोई गाली गलौज न था। आप अल्लाह के दीन के सच्चे दाई थे और इस वक्त अल्लाह ताला ने उनका फैज बहुत ज़्यादा जारी और सारी फरमाया हुआ था। तो ईद की इशात और ख़त्म नबूवत और खुसूसन इसलाह मुआशरा के इसलाह मुआशरा की दुखती रग पर जो जिस अंदाज से वक्ती तकाजे के पेश नज़र मौलाना नासिर मदनी साहब ने जो नब्ज़ शनासी करके नब्ज़ पे हाथ रखा है, यकीन जानिए वो इनकी खुसूसियत है और मैं इसको मिन जाने बिल्ला एक इल्का और एक इलाम समझता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज को जब चोर को चोर कहा जाए तो उसको अफसोस होता है कि मुझे चोर कह दिया। तो ये इसी चीज का अच्छा खजाना हुआ और इससे मौलाना नासिर मदनी साहब की इज्जत में इजाफा हुआ है। हम इंशाअल्लाह तो ईद और सुन्नत की इशात के हवाले से नासिर मदनी साहब के साथ कदम ब कदम है और इंशाअल्लाह जहाँ ये जैसे जो हमें हुक्म देंगे हम पीछे नहीं होंगे। हम इस रिश्ते इशात तौहीद व सुन्नत में बिल्कुल एक हैं और छाना बछाना है और इंशाअल्लाह ये जो कुछ हुआ है यूरी दूर नुत भी नूर अल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करे हल काफिरून का मिस्ताक है। इंशाअल्लाह ये आंधियाँ आपको ऊंचा उड़ाने के लिए हैं और आपने ताइफ वाली सुन्नत को जिंदा किया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस सुन्नत और आपकी कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इशात तौहीद और इस्लाह मुआशरा के लिए मेरा रब इसको एक नमूना और उस्वा बना दे।